बताया कि कौशल क्या है, उसके पास कौशल है जो एक आपका 10 मिनट में 10 पेज करता है, अर्थात आपका काम भी ज्यादा हो जा रहा है, समय भी कम लग रहा है, हर चीज आपकी सुविधापूर्ण है और आपका कार्य क्या है प्रभावशाली भी, वो एरर भी क्या करेगा कम करेगा। वही चीज हमको कहाँ पढ़ना है, शिक्षण में, है ना। तो शिक्षण के कौशल मैंने आपको बताया कि शिक्षण को प्रभावशाली करने के विभिन्न स्टेज हैं। जैसे एक एक आपका जो शिक्षण है वो समग्र कौशलों का क्या है, संश्लेषण, जिसमें कौन कौन से कौशल आएंगे, व्याख्यान कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, उद्देश्य लेखन कौशल, श्यामपट लेखन कौशल, सारे आ जाएंगे। तो इन कौशलों के अभ्यास के लिए जो चीज़ें हमारे शिक्षण में रखी गई, उसमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। क्या बताया था, एक बार में एक कौशल का अध्ययन करेंगे तो क्या कहा जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण। कम समय में एक कौशल का एक बार में जो अभ्यास होता है, कम जो आपका समूह होता है वो क्या होता है, सूक्ष्म होगा, 5 से 10 लोगों का ये समूह होगा। टाइमिंग क्या होगी, कहीं पे 5 मिनट का है जो फॉरेन में है, और इंडिया में क्या है, 6 मिनट का एक स्टेज। फिर और आपका क्या होगा, कौशलों की संख्या क्या होगी, एक बार में एक। यहां मैं क्या बता रही हूं आपको, माइक्रो टीचिंग, ठीक। अब मैंने आपको बताया किसके स्टेज क्या होते हैं, पहले क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। जैसे आप शिक्षण करने भी जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, योजना बनाएंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण करेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, प्रतिपुष्टि किससे प्राप्त होती है ये भी बता दीजिए, कल बताया है ना। मूल्यांकन जो करेंगे आपके यहाँ 5 से 10 लोग, वो क्या करेंगे, आपको फीडबैक देंगे आपका कार्य प्रभावशाली है कि नहीं। फिर आप क्या करेंगे, उसका पुनर्योजना बनाएंगे, उन कमियों को दूर करेंगे और जो आपकी अच्छी चीजें उसको और डेवलप करेंगे। यहाँ सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट आपके होंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जो आपकी कमियां होंगी उसको दूर करेंगे, हटाएंगे और फिर से योजना बनाएंगे, या जो चीजें आपकी बहुत अच्छी हैं उसको और डेवलप करके क्या करेंगे, फिर से योजना बनाएंगे। अगर आप बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं तो कम से कम आपको दोबारा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, अभ्यास, और अभ्यास कभी एक बार नहीं होता। एक स्टेज आपका 6-3 और फिर से यही करेंगे तो मिनिमम कितने स्टेज होंगे आपके, 6 चरण होते हैं। पूछा जाए सूक्ष्म शिक्षण के कितने चरण होंगे, 6, ठीक। अब यहाँ पे जो कैटेगरी रखी गई 6-6 मिनट की रखी गई, तो 6 के 36, है ना। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग कैटेगरी बताई। जैसे कुछ लोग पहले क्या करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण इसी में योजना पहले से बनाएंगे और स्टार्ट यहाँ से करेंगे, तो वो क्या करते हैं, जब पुनर्योजना बनाते हैं तो उसको 6+6 12 मिनट दे देते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, योजना में 6 मिनट देंगे, फिर सूक्ष्म शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनर्योजना, फिर पुनः सूक्ष्म शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। और ये क्या है, साइकिल आपका तब तक चलेगा जब तक आप उस कौशल में प्रवीण ना हो जाए। तो मैंने आपको कल दो इसमें कौशल बताए थे, कौन कौन से याद करिए, एक तो था उद्देश्य लेखन कौशल, है ना, उद्देश्य लेखन कौशल। दूसरा क्या बताया था, प्रश्नी, इसमें मैंने देखिए कल बहुत डीपली बताया था आपको, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, बहुत शॉर्ट में रिवाइज करूंगी, आपको नोट्स में मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ मैंने बताया कि उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य उद्देश्य आपके पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और लगभग पूरे सब्जेक्ट में स्थायी होते हैं, कुछ एक्सेस 1-2 पॉइंट बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो है विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य कौन से उद्देश्य होते हैं, जो आपके प्रकरण से रिलेटेड होंगे। जैसे आप विज्ञान पढ़ाइए, जो सामान्य उद्देश्य होगा किससे, पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और विज्ञान में आप बल पढ़ाइए तो जो विशिष्ट उद्देश्य होगा किससे रिलेटेड होगा। जरा सा रिकॉल करिए, यहाँ अब आपको क्रिटिकल एनालिसिस करनी है। आपने क्या बनाया था, पाठ योजना, उसमें उद्देश्य लिखते हैं, जब उद्देश्य यहाँ लिखेंगे सामान्य उद्देश्य तो उसमें क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 तर्क क्षमता का विकास, समस्या समाधान की योग्यता, बालकों को जीवन से जोड़ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे किससे रिलेटेड होते हैं, सब्जेक्ट के नेचर से। जैसे सोशल साइंस का अलग है, आर्ट पढ़ाने का अलग है, कला, क्या सांस्कृतिक जो आपकी चीजें उनको डेवलप करना,
संस्कृति का संरक्षण करना, हिंदी पढ़ाने का क्या है, जो बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, इसका विकास करना, तो पूरी हिंदी में सेम रहेगा लगभग, तो वो कौन से उद्देश्य आपके होंगे, सामान्य। और फिर बात की हमने किसकी, विशिष्ट उद्देश्य की, तो विशिष्ट उद्देश्य कौन से उद्देश्य होंगे, जो आपके प्रकरण या टॉपिक से रिलेटेड होंगे, है ना। जैसे इसमें मैंने आपको कैटेगरी बताई थी ब्लूम के अनुसार, कौन कौन सी थी, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, हाँ वेरी गुड, क्रियात्मक या मनोचालक, ठीक। ये किसने बताया कैटेगरी, ब्लूम ने, इन्हीं की पहली सीरीज आपके टेट के प्रश्न में आई भी थी, जो मैंने पहले टेट में आपको शिक्षण के उद्देश्य बहुत डीपली बताया था सारे को एनालिटिक रूप से, तो अगर आपको याद होगा तो इसमें क्या था, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक। कल मैंने आपको बताया कि उसमें क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, तो विश्लेषण को कट कर दिया, संश्लेषण, मूल्यांकन और एक लास्ट क्या, सृजनात्मकता। तो ये कौन से उद्देश्य थे, संज्ञानात्मक, जो मेंटली आपके प्रोसेस से जुड़ा हुआ उद्देश्य होगा वो कौन सा उद्देश्य होगा, संज्ञान में लेना, कहाँ लेंगे, यहाँ ना। तो जितने आपके ऐसे उद्देश्य होंगे जो मेंटली प्रोसेस से जुड़े होंगे कौन से उद्देश्य होंगे, संज्ञानात्मक, जो इमोशनली प्रोसेस से जुड़े होंगे, जैसे आप मेरी बताई हुई चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, है ना, तो ये क्या होगा आपका, भावात्मक। आप उसको अपने व्यवहार में लाएंगे कि नहीं, हमने यहाँ बताया कि राष्ट्र के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, समर्पण का, है ना, मैंने यहाँ कहा तो, पर आपने व्यवहार में नहीं लाया, तो कौन से उद्देश्य नहीं पूरे हुए मेरे, आप बता तो लेंगे कि मैंने क्या कहा, लेकिन आपने अगर उसको अपने चरित्र में नहीं लिया तो कौन से उद्देश्य नहीं पूरे हुए, भावात्मक, ये इमोशनल या अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है। फिर उसको अपने व्यवहार में लाए, मान लीजिए मान भी लिए और पता चला युद्ध हो गया और बोला गया इतने सैनिक चाहिए, कौन कौन भर्ती होगा, और आप क्या हुए, पीछे हट गए, तो जब तक आपके व्यवहार में नहीं आया तो कौन से उद्देश्य नहीं पूरे होंगे, क्रियात्मक या मनोचालक, ठीक। यहां तक समझ में आया। फिर मैंने आपको बताया था प्रश्नीकरण कौशल, प्रश्न कैसे पूछते हैं और प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन से बताए थे, वस्तुनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, ठीक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो जिस पे मूल्यांकन करता के अपने विचार, अपनी पूर्व धारणाएं नहीं लागू होती, जैसे आपके बहुविकल्पी प्रश्न, अगर आंसर आपका ए है तो भले आपके घर से झगड़ा हुआ हो वो आपका नंबर नहीं काट सकता, भले यहाँ बहुत गर्मी हो कॉपी जांच रहा हो वो आपका नंबर नहीं काट सकता, अर्थात इसमें कौन मुख्य होता है, वस्तु, जो आपका कंटेंट होता है, या प्रश्न। लेकिन व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न जिस पे मूल्यांकनकर्ता का प्रभाव पड़े, जैसे आपके निबंधात्मक प्रश्न, उसमें क्या करते हैं, अगर 10 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही खुश है टीचर, तब भी आपको 10 नहीं देता, वो क्या देगा, ज्यादा ज्यादा 9, ये भी बहुत रेयर केस है ना, 9 नंबर ज्यादा नहीं देगा, जबकि आपने पूरे कंटेंट इंक्लूड किए। अगर उसका दिमाग खराब है, घर से झगड़ा करके आया, बट क्या है, तो क्या करेगा, 5 भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा कॉपी जांचनी है, उसको पढ़ने का टाइम नहीं है, तो क्या करेगा, जल्दी जल्दी कॉपी पलटेगा और क्या करेगा, और भी कम हो सकता है, है ना, हो सकता है वो कंटेंट उसने ना पढ़ा हो, आप पढ़ के आए हो, आपका विचार हो, उसको नहीं समझ में आए, तो भी क्या करेगा, नंबर कम कर देगा। ये तो इसके दोनों की कमियां बताई है ना, इसमें कमी क्या बताई थी, तुक्का लगने की संभावना है, स्मृति स्तर का रट्टा मारिए और लिखिए, ये चीजें इसमें आती है, इसमें रिक्त स्थान, मिलान के प्रश्न, सत्य असत्य, जैसे कंप्यूटर का एग्जाम होता है CCC, उसमें क्या होता है, ज्यादातर आपके 30 प्रश्न क्या होते हैं, लगभग ट्रू होते हैं, और आप सारे प्रश्न ट्रू लगा देंगे तो 30 नंबर मिलने ही है, समझ रहे हैं। और यहाँ क्या होता है, यहाँ बालक के अपने विचार खुल के बाहर आते हैं, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसमें ये नहीं कि सीरीज से लिख के छाप दिया, यहाँ आपके अपने विचार देखे जाते हैं, यहाँ बालक को किसका मौका मिलता है, अभिव्यक्ति का। तो दोनों की अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, बात होती है अगर कौशल की कैसे पूछना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि सामूहिक रूप से प्रश्न पूछना चाहिए, तब बालक को खड़ा करना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि आप खड़े हुए चलिए बताइए, यहाँ क्या करना है, प्रश्न बोल देना है, फिर सबको देखना है, सब अटेंशन में आ जाएंगे, तब आपको खड़ा करना है। प्रश्न आपके कंटेंट से होना चाहिए, पिन पॉइंटेड होना चाहिए, प्रश्नों में मर्यादा होनी चाहिए, ये सब जो चीजें हैं वो किस कौशल में आती हैं, प्रश्नीकरण कौशल में आती हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
दोनों समझ में आया था ना? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये विधि नहीं है, कौशल है। इसका अभ्यास किसमें करेंगे? आंसर दिया करें जल्दी, भाषण देने में। इसका अभ्यास कहाँ करेंगे? अभी बताया, शिक्षक कहाँ करेगा अभ्यास इसका? माइक्रो टीचिंग में। जितने आपके माइक्रो टीचिंग प्लान बनते हैं उन्हीं को मैं बता रही हूँ, जो प्रश्न कैसे पूछना है ना, व्याख्या कैसे करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहले क्या करना चाहिए? एक अध्यापक को अभिव्यक्ति में प्रवीण होना चाहिए। जैसे अभिव्यक्ति कैसे करेगा? सबसे पहले अगर उसको भाषा का ज्ञान होगा, भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, शब्द भंडार आपके कम से कम एवरेज से ऊपर होने चाहिए। जिस स्तर का आपको शिक्षण करना है, जिस लेवल का, उनसे ऊपर उठ के आपके भाषा में प्रवीणता होनी चाहिए। जैसे आप कॉन्वेंट में चले गए और आप बहुत अच्छे मैथ के टीचर हैं, लेकिन आप अपने शुरू से हिंदी मीडियम पढ़ाए, लेकिन वहाँ क्या करेंगे, आप उस भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना है, सीसीटीवी लगी हुई है, आप क्या करेंगे, वहाँ घबराएंगे, आपके आते हुए कंटेंट में क्या होंगे, विचलित हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आपका व्याख्या कौशल नहीं अच्छा होगा। जिस माध्यम में जो अभ्यर्थी हैं उनको पढ़ाना है, उस भाषा को आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जिसमें किसका ज्ञान हो, शब्द कोश का, व्याकरण, इतना तो तभी तो आपके टेट में है कि सबको मतलब दो लैंग्वेज वो करना है, क्योंकि उसमें व्याकरण भी होना चाहिए, कर्ता पहले, कर्म पहले, कि कौन सा पहले, कि क्रिया पहले, आपको पता होना चाहिए ना, क्या आता है सबसे पहले, कर्ता, ठीक। तो यहाँ व्याकरण के तत्वों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज जो है आपकी क्या है, आत्मविश्वास। आपको क्या होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। किसके लिए? व्याख्या के लिए। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तब तक आप अच्छी व्याख्या नहीं कर सकते। कुछ बताइए कैसे कॉन्फिडेंस आता है? सबसे पहला इसका क्या मूल तत्व है, अगर टीचर यहाँ खड़ा होकर लगातार बोल रहा है? वेरी गुड। सब्जेक्ट जो आपका ये कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसमें? कॉन्फिडेंस में। क्यों? आपको पता ही नहीं है कि इसके आगे क्या, पता चला आप डर रहे हैं कि बच्चा कुछ पूछ न दे। वैसे कई लोग पढ़ाते हैं तो पहले पूछते नहीं, हम पढ़ाने के बाद नहीं पूछते कि बताइए, पूछिए। क्यों? कभी कभी उस कंटेंट पे उनकी नॉलेज कम होती है और वहाँ अगर वो चुप हो गए तो उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो सिर्फ आज की नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में भी क्या होंगे, उनका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। तो वो भी किसको प्रभावित करेगा? आपको। व्याख्या कौशल। फिर एक चीज आती है, देखिए ये सब आपके अभिव्यक्ति के कौशल है, आरोह अवरोह। ये क्या होता है? आरोही क्रम अवरोही क्रम आप जानते हैं, बढ़ते और घटते। कहाँ आपका जो साउंड का लेवल है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, कहाँ कम होनी चाहिए, है ना? जैसे शुरू जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप तेज बोलते हैं, फिर ऐसी कोई पॉइंट जिसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस करके नहीं बोलना है, वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। ये भी बहुत प्रभावित करता है आपके व्याख्या कौशल के। अगर आप एक ही स्पीड में बोले जा रहे हैं, मतलब जैसे आप तेज ही बोल रहे हैं, तो भी बच्चा उतने अच्छे से नहीं समझ पाता, वो नहीं समझ पाता आपके बोलने से कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सी कम। इसमें उसको फोकस करना है जो आपका कंटेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें आपको आरोह अवरोह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो वह मूलभूत चीज़ें जिससे आपका ये कौशल डेवलप होता है। अब बात करते हैं कक्षा में व्याख्या कौशल कैसे डेवलप होता है। आपको बताया था एक प्रपत्र होता है सूक्ष्म शिक्षण का, जिसमें क्या करते हैं, जो आपके 5 से 10 लोग बैठे रहेंगे वो यहाँ पे टिक करते हैं, सही है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा। रेटिंग स्केल रहती है। जैसे आपने सुना होगा मूल्यांकन में सुना है इसका नाम, रेट करना। जैसे मूवीज आती हैं आपकी तो पेपर में दिया था ना रिव्यू, 5.5 स्टार बने, 2.5 पा रहा है, 3 पा रहा है, तो उसको क्या करते हैं, मूवी को रेट करते हैं। और यहाँ जो आपके शिक्षण में, सूक्ष्म शिक्षण में बैठे हुए आपके सहपाठी हैं या आपके परामर्शदाता हैं या जो भी समूह बैठा है, वो क्या करता है, आपको रेट करता है। तो आप कैसा बोलते हैं उसमें उसकी 5 कैटेगरियाँ भी हो सकती है, 3। बीच में क्या होता है, टथर्स, ठीक है, आपका
और इधर क्या, अच्छा, बहुत अच्छा, इधर कम प्रभावशाली, एकदम निम्नतम प्रभावशाली। तो पांच कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में डिवाइड होती है। वहां नीचे लिखा होता है कि किसका नंबर क्या है। तो जैसे आप जैसा पढ़ाएंगे तो यहाँ क्या करेगा, सब अपने अपने हिसाब से रेट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका कौशल कैसा है। तो व्याख्या कौशल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी चीज़ है वो यह है कि आप अपने कंटेंट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो पिन पॉइंटेड है कि नहीं, समय अनुसार अनुकूल है कि नहीं। क्या आप एकदम लेक्चर देते जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि हमारा जो टाइम पीरियड है 45 मिनट का या 35 का या 30 मिनट का। ठीक, इस क्वेश्चन में ये भी देखा जाता है कि जितना कंटेंट है आपको उस ड्यूरेशन में क्या करना है, कवर अप करना है। ठीक, फिर बोलते कैसे हैं, उच्चारण कैसा है। जैसे बहुत लोग स को श बोलते हैं, तो ये क्या करता है, व्याख्यान कौशल को प्रभावित करता है। ऐसी अशुद्धियां जो आपके बोलने में आपके व्याख्यान में आती हैं उनको दूर करने का उद्देश्य किस कौशल के अंतर्गत आता है, आपका व्याख्या कौशल के। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब एक और आपका इंपॉर्टेंट कौशल है श्यामपट लेखन कौशल, है ना। इस कौशल का विकास कैसे करेंगे, देखिए श्यामपट चाहे चौक कहिए चाहे मार्कर, लेकिन श्यामपट चाहे व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड, लेकिन इसकी जो इसका जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर मार्कर कहेंगे तो व्हाइट बोर्ड लेंगे, है ना, चौक लेंगे तो ब्लैक बोर्ड लेंगे, लेकिन ये जो कंटेंट है आपके शिक्षण में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, आप कुछ बोल रहे हैं बच्चा नहीं समझ पाया कोई शब्द, तो आप क्या करते हैं तुरंत श्यामपट पे लिखते हैं। आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो काठिन्य निवारण कहाँ करेंगे, श्यामपट पे करेंगे। कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं कहाँ लिखेंगे, श्यामपट पे लिखेंगे। कोई फिगर बनाना है कहाँ लिखेंगे, श्यामपट पे लिखेंगे। सूत्र लिखना है गणित का कहाँ लिखेंगे, श्यामपट पे लिखेंगे। ऐसी कई चीजें आपकी हैं, कई फैक्टर हैं जहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए श्यामपट लेखन कौशल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। अब देखिए इसका जो कंटेंट होता है क्या होता है। पहला ये, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ इससे एनालिसिस मत करिएगा, है ना। ठीक, पहला ये कि जितना आपका स्ट्रेंथ है, कक्षा का आकार है ना, उसके अनुसार आपके शब्दों का क्या होना चाहिए, वर्णों का साइज होना चाहिए। कक इतना नहीं कि इतना बड़ा लिख दें और इतना भी नहीं कि इतना बड़ा लिख दें। जैसा आपका स्ट्रेंथ होगा, जैसा कक्षा का आकार होगा, उतना बड़ा साइज आपके वर्णों का होना चाहिए। दूसरी चीज, जिस भाषा में बच्चे समझे उस भाषा में लिखना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप मातृभाषा में यहां लिखिए, यहां वो भाषा यूज करेंगे जो मीडियम है, मीडियम ऑफ नॉलेज। ठीक, जिस मीडियम में आपको पढ़ाना है वहां श्यामपट पे आपको इस लैंग्वेज का प्रयोग करना है। दूसरी चीज, एक और मैंने आपको बताया, मार्कर, जैसे पेन कहते हैं अच्छा लेखन सुलेख, तो कितना एंगल पे झुकता है पेन, अच्छा यही माना जाता है, लेकिन झुकाते थोड़ी एंगल थोड़ी हर समय चांदा लेके बैठे हैं 45 पे लिखेंगे। ये जो बोला जाता है कि अच्छी लेखनी कितनी डिग्री पे होती है, 45, अर्थात मिड आपका ऐसे खड़ा नहीं, एकदम बेंड नहीं, इसके मिड का जो आपका एरिया होता है, मतलब जो एंगल 45 अंश पे आपका पेन होना चाहिए। और उसी तरह अगर यहाँ भी देखेंगे तो आपके चौक का क्या होना चाहिए, एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। फिर जो मेन आपका कंटेंट है उसको ऊपर फोकस करके बड़ा लिखना चाहिए, है ना, और जैसे जैसे कम इम्पॉर्टेंट आ रहे हैं उनका साइज क्या करिए छोटा। इससे वो देख के बच्चा समझ जाएगा कि मेन आपका पॉइंट क्या है, कहाँ से आपने शुरू किया और कहाँ आप खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, और आपका जो वर्डों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो एक समान होना चाहिए, सीधा लिखना चाहिए। आपका ये श्यामपट कौशल क्या होना चाहिए शिक्षण में, अच्छा होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट एक कवर है दृष्टांत कौशल, दृष्टांत कौशल। देखिए इसको बहुत डीपली बता सकती थी, लेकिन एक दो नंबर का है, एक नंबर का पूरा। अगर इसमें से कोई सूक्ष्म शिक्षण पूछ लिया तो एक या दो, ज्यादा ज्यादा दो, क्योंकि उसी कौशल में आपके 10 पॉइंट, 10 नंबर 10 पॉइंट है, किसी में 10 नंबर में 15 पॉइंट है,
है ना, चेंज भी होगा लेकिन ये सब चेंज नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़ना है, जो चीज़ें नहीं समझ में आती आप तुरंत पूछिए, लेकिन ये कहिए कि एकदम आपको यहाँ लिखवा के फिर छपवा दूँ तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको पूरा कंटेंट कवर अप करना है। और अभी ऐसे आपके शब्दावली है साइकोलॉजी की, शिक्षण की, जिसने जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा। तो ऐसे कुछ प्रमुख आपके वर्ड होंगे साइकोलॉजी के जो आ जाते हैं और आप विचलित हो जाते हैं कि क्या है, हम समझे नहीं पा रहे। तो एक दो क्लासेस आपकी ऐसी रहेंगी जिसमें उन शब्दों का हम अध्ययन करेंगे कि कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। जैसे अभी आपको बताया रेटिंग स्केल, अब कहीं दे दिया तो आप अगर नहीं जानते उसके बारे में तो आप जानेंगे नहीं कि ये मूल्यांकन का उपकरण है। केस स्टडी बताइए, क्वेश्चन आयर, ये सब क्या है, मूल्यांकन के उपकरण है। अभी आपसे बोला जाए काउंसलिंग, सिर्फ काउंसलिंग हिंदी में लिख दे तो कभी नहीं समझ पाएगा इंसान कि ये निर्देशन वाला है कि परामर्श वाला है। तो यहाँ आपको परामर्श ही है, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, उस शब्दावली का भी अध्ययन करना है। तो अभी आप इसको समझ लीजिए, दृष्टांत मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देना, वेरी गुड। एग्जाम्पल, दो मेथड आपने पढ़े होंगे, आगमन और निगमन, जिसमें एग्जाम्पल पहले आता है और सिद्धांत बाद में, वो आगमन कहा जाता है, और जिसमें एग्जाम्पल बाद में आता है सिद्धांत पहले, वो कौन सा होता है, निगमन। लेकिन यहाँ हमें उस मेथड से नहीं देखना, यहाँ हमें देखना है कि चाहे पहले प्रयोग करे, चाहे बाद में, चाहे बीच में, लेकिन वो प्रयोग कैसे करना है। कभी भी किसी पॉइंट के खत्म होने से पहले बीच में, जैसे आधा बोले तब से एग्जाम्पल देने लगे, ऐसी चीजें प्रयोग नहीं करनी चाहिए, ठीक। दूसरा, एग्जाम्पल क्यों बताया जाता है, कंटेंट को इजी करने के लिए। तो ऐसा एग्जाम्पल मत बताइए कि वो बच्चा सुना ही ना हो या समझ ही नहीं सकता हो, कुछ उसमें ऐसे एग्जाम्पल दीजिए आप घर से जोड़ के, एकदम मतलब आप कहानी भी बना सकते हैं कुछ कि देखिए हम ऐसा करते हैं, एक बार ऐसा होता हुआ ऐसा वैसा, मतलब बच्चे को समझ में आए। आपने सुना होगा कहानी कथन विधि, ये एक विधि है पढ़ाने की। तो एग्जाम्पल आपका कैसा होना चाहिए, जीवन से संबंधित, ठीक। अब इस जीवन से संबंधित होने के साथ साथ किससे संबंधित होने चाहिए, आपके विषय से। पता चले आप गणित पढ़ा रहे हैं और उसमें आप हिस्ट्री का एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना, आप बता रहे हैं कि 1525 में जोड़िए 1600 इतना या कुछ भी घटाने को, तो आप इसमें बता लेंगे कि इस सन में ये युद्ध हुआ था, इस सन में ये युद्ध हुआ था, बताइए कितने साल बाद ये युद्ध हुआ। तो बच्चा क्या होगा, उसी में हिस्ट्री पे पढ़ने लगेगा। तो जो आपका जो एग्जाम्पल होना चाहिए केंद्रित किस पे होना चाहिए, विषय पे और विषय की प्रकृति पे। तो और चीज, जो एग्जाम्पल होता है उसका हमेशा यही रोल होता है कि हर चीज को क्या कर दे, सरल कर दे। जो आपने सिद्धांत पढ़ा उसका सरल करने का उसका उद्देश्य होता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम्पल जब हम पहले यूज करते हैं तो क्यों यूज करते हैं, उस कंटेंट तक बालक का दिमाग ले जाने। जैसे आगमन विधि, हमने आपको दाब का एग्जाम्पल बताया था, जैसे आप जब प्रस्तावना निकलवाते हैं तो क्या करते हैं, आप कहेंगे किसका किसका बर्थडे, कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर, चलिए किसका किसका बर्थडे नवंबर में है, तो हो सकता है ना हो, फिर दिसंबर में है तो कहेगा हाँ, मतलब हाथ उठाएगा। फिर आप बोलेंगे बहुत अच्छा लगता है ना बर्थडे में, क्या क्या होता है, तो कहेगा हाँ सब गिफ्ट देते हैं, सजावट होती है, सब केक काटते हैं। तो आप पूछिए कि कैसे वो जो सजावट होती है कितनी सुंदर होती है ना, तो कहेंगे हाँ हाँ बहुत सुंदर होती है, क्या क्या यूज़ करते हैं, कहेगा किरकिरी, आपके वो जो स्टिक्स होते हैं और वो बैलून, बैलून कितना सुंदर लगता है। तो बच्चा कहेगा, यहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाना आपको, तो कहेगा हाँ बहुत सुंदर लगता है, फुला फुला होता है, कैसे वो इतना सुंदर लगता है, कैसे उसको मतलब फुलाते हैं, तो कहेंगे हवा भरेंगे और फुल जाता है। तो आपका प्रश्न होगा, अच्छा हवा भरते जाएंगे और फुलता जाएगा, तो बच्चा क्या कहेगा, नहीं ज़्यादा फुलाएंगे तो पक से फूट जाएगा, क्यों फूट जाएगा। तो अगर उसने कभी दबाव किसी से सुना है तो वो बोलेगा, और नहीं भी बोलेगा तो उस कारण तक वो पहुंच गया जिस वजह से गुब्बारा फूटता है। तो यहाँ आपको ऐसी चीजें यूज करनी है जो किससे संबंधित हो, विषय और जीवन दोनों से। पर्यावरण पढ़िए, गणित पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, मेन इसका जो उद्देश्य होता है आपके जीवन की समस्याओं को सुलझाना, आपके जीवन को सरल करना, है ना, आपकी दुविधाओं को दूर करना, आपकी जो भ्रांतियां हैं उनको क्या करना,
दूर करना, तो एग्जाम्पल भी आपके कैसे होने चाहिए, इन्हीं पे आधारित होने चाहिए। इसके अलावा और एक कौशल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। उद्दीपन परिवर्तन कौशल है ना, ये नाम सुना है आपने? उद्दीपक क्या होता है? बस उद्दीपक क्या होता है? जिसको देख के आप उत्तेजित हो, लक्ष्य नहीं। यहाँ उद्दीपक वो होता है जो आपको क्या कर दे, एक्साइटेड कर दे या जिज्ञासु बना दे। जैसे यहाँ टॉफी रखे, बोले जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको ये टॉफी देंगे, तो ये टॉफी क्या है? उद्दीपक। अब आप नहीं ललचाएंगे, छोटा बच्चा तो हो सकता है एक बार उसके मन में आए कि हाँ ये टॉफी मुझे मिलनी चाहिए, या जो फर्स्ट आएगा उसको ये मार्कर देंगे, है ना। तो आप भले, आपको इस मार्कर का कोई यूज नहीं, लेकिन छोटा बच्चा क्या होगा, कुछ पाएगा उसको एक एक्साइटमेंट रहती है। तो ऐसी चीजें जो उसके उद्दीपक को क्या करें, परिवर्तित करें। ऐसा कौशल जैसे एक लगातार आप व्याख्या देते चले जा रहे हैं, है ना, तो बच्चा क्या होगा, बोर हो जाएगा। और छोटी क्लास में तो व्याख्यान वैसे ही बहुत ही अप्रभावशाली होता है। तो आप क्या करें, बीच में एग्जाम्पल दीजिए कैसे परिवर्तन करना है, ये आपका कौशल बताएगा। कब प्रश्न पूछना है, जैसे अब बच्चे थोड़ा सा बोर होने लगे, कोई प्रश्न पूछ दीजिए, कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई कहानी सुना दीजिए। तो इस प्रकार के जो आपके कौशल होते हैं वो किस कौशल के अंतर्गत आते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल।